संतोष जी, क्या ये सरकार पॉलिटिक्स है कि प्रेम शुक्ला साहब को भी महाराष्ट्र दिख रहा है? नहीं देखिए अनुराग जी, ये हमारे हमारे इस देश के नेताओं को कभी भी किसी भी स्तर पर अगर इतनी बड़ी क्राइसिस में भी अगर शर्म नहीं आती है तो कब शर्म आएगी? मैं और मैं बड़ी बड़ी विनम्रता के साथ नहीं कहना चाहता इस बात को। सरकार का काम है इंतजाम करना, विपक्ष का काम है प्रेशर डालना इनके ऊपर। और ये अगर आपने इंतजाम नहीं किया है तो लोग नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे तो राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराएंगे। आप क्या कर रहे थे पिछले एक साल से, कौन सा काम कर रहे थे? आपने बंगाल के अंदर बड़ी बड़ी रैलियां की, क्योंकि भाई कुंभ मेला क्यों होने दिया? 31 लाख लोग है, आप जमात के लोग इकट्ठा होते तो आप बताइए ममता बनर्जी बताइए, और वो लोग जो रैलियों से बाहर निकले, मोदी विरोधी को और मेले से बाहर निकले, उन लोगों ने किन किन लोगों को फैलाया? उनकी कोई सोशल मोदी से घृणा करने वाली बात किसी तरीके से आपकी पीड़ा का हम औचित्य समझते हैं? नहीं हमको मत नहीं आप लोगों के गुस्से को समझिए, आप जैसे घटिया मर रहे हैं की वजह से, लाशें चलाई जा रही हैं नेताओं की वजह से, आप जैसे चीज समर्थक जंतुओं की वजह से, आप चीज समर्थक जंतु आपके घर के अंदर कोई बीमार नहीं है, आपको रोक रहा हूँ। लेकिन आशुतोष जी जो सवाल राज्यों के स्तर पर बीजेपी के लिए खड़ा होता है सर, वो सवाल तो छत्तीसगढ़ के लिए भी खड़ा होगा, वो सवाल तो पंजाब के लिए भी खड़ा होगा, वो सवाल तो अभय दुबे के लिए भी खड़ा होगा। अनुराग जी मैं बिल्कुल यही बात कह रहा हूँ, और मैंने कहा कि इस देश के नेताओं को शर्मानी चाहिए, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, पिछले एक साल के अंदर इन लोगों ने कौन सा बनाया? पिछले एक साल के अंदर बता दीजिए, अगर ये नौबत अगर आप ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर सकते तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आपको मालूम है क्योंकि आप नेताओं के घरों पर फोन करने पे सबसे उपलब्ध हो जाती है। हमारे जैसे अभय दुबे छत्तीसगढ़ तो दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।